अभी बहुत सारे लोग रोजमेरी वाटर को अपने हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रोजमेरी वाटर हेयर ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। लेकिन रोजमेरी वाटर यूज़ करते टाइम हम लोग कुछ मिस्टेक्स कर बैठते हैं, सो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसी ही कुछ मिस्टेक्स के बारे में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। रोजमेरी वाटर बनाने के टाइम कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो देखते हैं कि पानी का कलर में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है तो वो और बॉयल नहीं करते हैं। लेकिन हमें रोजमेरी वाटर को एटलीस्ट 15 से 20 मिनट्स तक बॉयल करना है, क्योंकि रोजमेरी वाटर को अगर आप सफिशिएंट टाइम के लिए बॉयल नहीं करते हो तो रोजमेरी के सारे गुडनेस जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। हॉट रोजमेरी वाटर को यूज़ नहीं करना है। रोजमेरी वाटर बनाने के बाद पहले उसको आप ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद ही आप उसे यूज कीजिए। हॉट रोजमेरी वाटर यूज करने से हमारे स्काल्प और हेयर दोनों ही ड्राई हो जाएंगे। रोजमेरी वाटर लगाने के बाद उसको वॉश नहीं करना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है। सो अगर आप रोजमेरी वाटर लगाने के बाद अपने हेयर वॉश कर रहे हो तो वैसा मत कीजिए। रोजमेरी वाटर को 5 दिन से ज़्यादा मत रखिए, ऐसे में फंगस हो सकते हैं। और अगर आपको कभी भी रोजमेरी वाटर के स्मेल में कुछ चेंजेस लग रहे हैं तो उसे भी फेंक दीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना, रोजमेरी वाटर में रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाल देते हैं फिर उसे यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते हैं। सो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी रोजमेरी वाटर से मिक्स नहीं होगा, और आप जब भी उसे यूज़ करोगे तो सबसे पहले वो कंसेंट्रेटेड रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपके स्काल्प पे जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, इसीलिए ऐसा कभी भी मत कीजिए। जिन लोगों का हेयर ड्राई है, रोजमेरी वाटर यूज़ करने के बाद अगर आप एक सीरम या फिर लाइट वेट ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपके बाल और भी ड्राई हो सकते हैं, इसीलिए रोजमेरी वाटर लगाने के कुछ घंटों बाद आप एक सीरम या फिर लाइट वेट ऑयल लेके अपने हेयर में अप्लाई कीजिए। रोजमेरी वाटर लगाने के बाद तुरंत ही नहीं सोना है, क्योंकि रोजमेरी वाटर लगाने के बाद आपके स्काल्प और हेयर थोड़े से गीले होते हैं, और गीले बालों में सोने से डैंड्रफ हो सकते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। आप एक हफ्ता रोजमेरी वाटर लगाएंगे फिर एक महीना छोड़ देंगे, वैसे में कुछ नहीं होगा, हेयर ग्रोथ नहीं दिखेगा। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, सो बी कंसिस्टेंट। ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।